अच्छा, KGF 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? I'm very excited. I can't tell my feelings. कितनी excitement है इस film को लेकर? ज़्यादा excited है. Trailer का best part क्या लगा? Trailer का उनका dialogue है, violence. देख ली movie? देख ली मैं. Rating देंगे आप? मैं 10 out of 10. नहीं, रेटिंग देना चाहेंगे आप इस? मैं तो उसको 10 दूंगा पूरी की पूरी. 1 देखी थी तो बेटे ने प्रोमिज लिया था कि पापा मेरे को 2 भी दिखाओगे. नमस्कार, मैं हूँ रौनक और स्वागत करते हैं आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल में. आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सिनेपोलिस सिनेमा घर में. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. ये भीड़ किस मूवी के लिए हो सकती है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म के रिव्यू के लिए आई हूँ. जी हाँ, KGF चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है. जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पास क्राउड भर भर के आ रही है. कुछ प्री बुकिंग के जरिए आ रही है तो कुछ काउंटर पर जाकर टिकट लेकर आ रही है. KGF 2 के लिए लोग इतने एक्साइटेड हैं, जानेंगे हम उनसे मिलकर और जानेंगे कि क्या वो फिल्म को लेकर क्या दिल में अपनी भावनाएं लेकर आए हैं, किन ख्वाहिशों को लेकर आए हैं, किस उम्मीदों के साथ आए हैं और उनके, और ये भी जानेंगे कि फिल्म देखने के बाद उन्हें ये फिल्म कैसे लगी. इस फिल्म के ऑनेस्ट रिव्यू उनसे हम खुद लेंगे. इसलिए चलिए हमारे साथ चलते हैं, चलकर देखते हैं कितने लोग कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए. तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं टिकट काउंटर पर कितनी ज़्यादा भीड़ है. हालांकि आधे लोग लिफ्ट के जरिए ऊपर जा चुके हैं. फिल्म शायद शुरू होने वाली है. अब ये लोग किस फिल्म के लिए आए हैं वो देखते हैं. आप कौन सी फिल्म देखने आए हैं? KGF. कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर? वैसे फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, अभी देखनी है, बट एक्साइटेड हूँ. अच्छा, आप यश को देखने आए हैं या संजय दत्त? बट इतना तो नहीं, बस फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को आना था तो उसके साथ आया बस. KGF की जगह RR भी देख सकते थे, लेकिन KGF ही क्यों? बट इंटरेस्टेड है उसी. ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं और लोगों से कौन सी मूवी देखने आए. KGF. क्यों? हमने पहले भी बहुत बार देखी है. इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? फाइट, एक्शन. आपको पता है इसमें संजय दत्त भी है? नहीं नहीं, अभी पता नहीं है. स्पॉइलर. आपने मूवी का ट्रेलर नहीं देखा? देखा है. अच्छा, इस फिल्म में आप KGF 1 आपने देखा है? KGF 1 देखिए. वो देखकर आप यहाँ? हाँ. तो इस फिल्म में क्या उम्मीद करते हैं? कि उससे ज़्यादा बेटर होगी, मतलब एक्शन काफ़ी ज़्यादा होंगे. तो फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा. कितने एक्साइटेड हैं ये? अब चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो कौन सी फिल्म देखने आए ये भी जान लेते हैं. कौन सी मूवी देखने आए? KGF 2. यश के अंदाज में आए. अच्छा, KGF 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड? I'm very excited. I can't tell my feelings. कितने, मतलब क्या लगता है कि आपके वो जो आप उम्मीद लेकर आए वो पूरी होंगी? मेरे हिसाब से तो पक्का होगी. संजय दत्त और यश का बहुत ही बढ़िया. आपने ट्रेलर देखा है? हाँ देखा है. कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था, उसी लिए तो आया हूँ देखने. और मूवी देखने के बाद आप फिर क्या दोबारा फिर से देखने आएंगे या एक बार में ही वन टाइम? ये तो मेरे को लगता नहीं है, वन टाइम वॉच होएगी मूवी, बार बार भी देख सकते हैं. आप कौन सी मूवी देखने आए? KGF 2. कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा, एकदम बिल्कुल पागल हो रखा है तो बिल्कुल देखने के लिए. अकेले आए? अकेले नहीं, मेरे साथ और भी आए, लेकिन टिकट नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है. क्यों? इन्होंने दिया ही नहीं टिकट. प्री बुकिंग आपने नहीं कर रखा? नहीं, कुछ नहीं कर रखा, अभी आया हूँ डायरेक्ट. कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर? बहुत ज़्यादा, मेरा फेवरेट है. आपने ट्रेलर देखा है इस फिल्म का? बहुत ज़्यादा ट्रेलर का, पूरी पिक्चर देख रही है बहुत ज़्यादा. पार्ट 1 देखा होगा ना? सब कुछ देखा है. सब कुछ देख ये शायद हमें चैप्टर 2 की कहानी भी बता दे थोड़ी देर में. चलिए बता भी दूंगा. चलिए आप बता दे. मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पिक्चर देखने के लिए, बहुत. चलिए, बहुत एक्साइटेड है. और लोगों से जान लेते हैं वो इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है. KGF 2. कितनी एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर? ज़्यादा एक्साइटेड है. आप इस मूवी का आपने ट्रेलर देखा है? हाँ जी, हाँ जी. बहुत कैसे लगा? बहुत अच्छा है. अच्छा, इस मूवी में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए आप एक्साइटेड है? मतलब संजय दत्त की एक्टिंग देखने के लिए या यश की? यश की एक्टिंग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि यश की एक्टिंग संजय दत्त पर भारी पड़ रही है. आप कौन सा मूवी देखने आए हैं? मैं भी वही KGF 2. जैसे कि आप देख सकते हैं कि KGF के लिए लोग किस हद तक दीवाने हो रहे हैं. आप कौन सी मूवी देखने? KGF 2. इस फिल्म को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? रॉक स्टार, यस, ब्लॉकबस्टर और अब तक की सबसे सुपर डुपर हिट जाएगी और ये ना केवल टॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड में भी नया इतिहास रचेगी. 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी.
जैसे कि आप देख सकते हैं फैंस इतने खुश है केजीएफ को। अच्छा, ये इस मूवी को लेकर आपने कितने इंतजार किया, जैसे बीच में कोरोना भी आया, मूवी को टाला भी गया और मूवीज को इसके वजह से केजीएफ के वजह से पीछे हटना पड़ा, तो उनको लेकर आप क्या कह सोचते हैं? देखिए, जिस दिन हमने केजीएफ देखी उसी दिन हमने ये सोच लिया था कि केजीएफ 2 कब आएगी और तब से हम एक्साइटेड थे और ये सारे जो स्टार है बॉलीवुड के अब पीछे चले जाएंगे और साउथ के स्टार आगे आएंगे और रॉक स्टार यश, मुझे लगता है केजीएफ 3 भी जब आएगी वो नए इतिहास रचेगी। और ये फादर आपके, इन्हें भी लेकर आए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पारिवारिक फिल्म है, इन्हें देखकर पता चलता है साउथ के ज्यादातर फिल्में पारिवारिक होती है मगर इन उदाहरण हम देख सकते हैं। आप कितने एक्साइटेड है केजीएफ के लिए? बहुत, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। यश के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? यश के एक्टर लिए, के लिए सुपर स्टार केजीएफ के यश के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यश के लिए हाँ बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ, इसके लिए मैं ये कहता है कि जो भी आज के बाद जो भी यश की फिल्म आएगी मैं सारी देखूंगा। मैं भी मैं तो इनके साथ आ जाता हूँ साहब, मैं तो बुजुर्ग हूँ। ये बस साथ आ जाते हैं वरना ही नहीं। यश का भी, यश के बारे आप जानते कौन है वो? नहीं मैं नहीं जानता। बहुत ज़्यादा मैडम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये मैं जब हमने केजीएफ 2 देखी थी तो बेटा छोटा था, तो जो इसने केजीएफ 1-2 अभी वन देखी थी तो बेटे ने प्रोमिज लिया था कि पापा मेरे को 2 भी दिखाओगे, वो आज से 2-3 साल पहले हमने जब देखी थी जब से। और इसको अपने बेटे का वादा पूरा करने के लिए आए हैं, केजीएफ 2 का इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, तो देख सकते हैं आप लोग इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस हैं। हम और लोगों से भी जानेंगे उन्हें इस फिल्म को लेकर कितने उनके अंदर एक्साइटमेंट है, तो चलिए जानते हैं। काफ़ी एक्साइट थे हम इस मूवी को लेकर, मतलब 2-3 दिन पहले टिकट बुक कर लिए थे और फर्स्ट पार्ट देखे, काफ़ी सस्पेंस था उसमें और सेकंड पार्ट में भी। आपको पता है इसमें संजय दत्त भी है? हाँ हाँ, मतलब ट्रेलर तो हम देखे ही हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है। संजय दत्त ट्रेलर का बेस्ट पार्ट क्या लगा? ट्रेलर का मतलब वो डायलॉग है, वायलेंस आई लाइक वायलेंस, वो काफ़ी मतलब अमेजिंग था। कितने एक्साइटेड है आप, खुलकर जाहिर करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और देखने जाना, इसलिए हम 2 दिन पहले टिकट कर लिए। एक्चुअली इसके लिए कोई मैसेज? आई लव यस, फेवरेट हीरो वो एकदम। देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं जो फिल्म देखने आए हैं, कौन सी मूवी देखने आए? एक्चुअली मैंने पहले दिन ही पहला शो देखा है और मैं देख चुकी हूँ केजीएफ। केजीएफ 2 देख चुके हैं आप? देख चुकी हूँ। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कैसी मूवी है? बहुत अच्छी मूवी है, आई लव्ड इट। केजीएफ फिल्म का बेस्ट डायलॉग या पार्ट क्या था? वो वायलेंस, आई लव्ड इट वेरी मच, आई लव इट, लव इट, लव इट। Seriously, I just love it all. फिल्म में और कुछ है दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगे जो आपके रिव्यू के सुनकर वो दोबारा मूवी देखने जाए, जिन्होंने नहीं देखी है? जिन्होंने नहीं देखी है एग्जैक्टली, इसमें बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े रोल है। एग्जैक्टली एक मामी का रोल है बहुत अच्छा और एग्जैक्टली लास्ट में सस्पेंस है जो कि बहुत अच्छा सस्पेंस लगा मेरे को और होपी नेक्स्ट। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख ली, अब सेकंड शो के लिए दोबारा आ चुके हैं। और कौन कौन आए हैं आकर देख लेते हैं, क्योंकि क्राउड यहाँ मैं देख सकती हूँ कि भर भर के आ रही है और ऊपर जा रही है, आ रही है और जा रही है। तो अब देखते हैं जो अब ये लोग टिकट लेने आए हैं उनका क्या हाल है, कौन से मूवी देखने आए हैं? KGF देखने आए हैं। फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, अब फाइनली रिलीज हो गया तो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए कैसे भी टिकट करके। मूवी का ट्रेलर देखा है? हाँ देखा है। कैसे लगी? बहुत इंजॉय किया उसको। तो आपको क्या लगता है यश संजय दत्त पे भारी पड़ेंगे, संजय दत्त यश पे भारी? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कौन किस पे भारी है। आपने ट्रेलर तो देखा ही है? हाँ, तो वैसे तो यश ही भारी है सब पे। देख सकते हैं आप इस बार यश संजय दत्त पे काफी भारी पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि साउथ एक्टर बॉलीवुड एक्टर पे भारी पड़े और वो भी ऐसे एक्टर जिनका अच्छा खासा बॉलीवुड में नाम है। अच्छा चलते हैं और लोगों से भी जान लेते हैं वो इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। कौन सी मूवी देखनी है? RRR। अच्छा KGF नहीं, पहले मुझे ये देखना है उसके बाद वो देखना। अच्छा वो बाद में देखेंगे। हाँ चलो, इनका इन्हें RRR देखनी है उसके बाद ये KGF देखेंगे, मगर देखेंगे ज़रूर। तो अब चलते हैं उन लोगों के पास जो KGF के लिए ही आए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ऐसे ही नहीं सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज़ ही, यूथ ही नहीं, फैमिलीज़ भी इस फिल्म में इंटरेस्टेड है। तो जानेंगे कि वो इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है। कौन सी फिल्म देखनी है? KGF 2। कितने एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड है, वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि देखे मूवी। बहुत
बहुत ज़्यादा। और किसकी एक्टिंग के लिए आप ज़्यादा वो है, देखने के लिए बेकरार है, आप किसकी एक्टिंग देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक है? मैंने फर्स्ट नहीं देखी, मैं टू देखने आई है, फर्स्ट देख। आपने दोनों मतलब फर्स्ट देख रखी? फर्स्ट देख रखी है मैंने, इसलिए आप दूसरा देखने देखने के लिए आए हैं। तो आपने ट्रेलर देखा है मूवी का? हाँ जी। तो क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? ऑफ कोर्स हीरो ही। संजय दत्त भारी पड़ने वाले हैं यश पे या यश भारी पड़ने वाले संजय? यश संजय दत्त पे। तो मुझे लगता है कि संजय दत्त सर को काफी पीछे छोड़ते हुए यश काफी आगे जा चुके हैं। कौन सी मूवी देख? सॉरी मैं उस साइड नहीं हूँ, एक्चुअली हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा एक-एक करके। गला अंदर चिल्ला चिल्ला के खराब हो गया तो मैं तो आपको तो जैसे कि आप देख सकते हैं केजीएफ के लिए लोग कितने पागल हो रहे हैं कि बुला बुला के वो रिव्यू देना चाहते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं इनके साथ। क्या नाम है आपका? अनुज, अनुज नायक। अनुज जी केजीएफ के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा, मैं पिछले मतलब पूरे 4 साल से एक्साइटेड बैठा था मैंने, इसलिए सुबह पहला शो करवाया। जब ट्रेलर देखा है मूवी? ट्रेलर पूरा देखा है मैंने, मूवी देखी, मेरे को एक एक सीन याद है, पहली का भी और दूसरी का भी। दूसरी देख ली? ओके, तो हम जानना चाहेंगे इस फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या? इस फिल्म का बेस्ट पार्ट मेन तो इसका एंडिंग है, वो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है और खुश तो खुश भी कर सकता है, तो एंड देखना बहुत जरूरी है। बाकी इसमें यश का लुक लक्स सारे अल्टीमेट दे रखे, एक्शन इसमें भरमार है, हॉलीवुड की सारी फिल्में भूल जाओगे, एक्शन इस तरीके का दे रखा है। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप इसमें? मैं तो इसको 10 दूंगा, पूरी की पूरी 5 भी नहीं, सीधे 10 दूंगा इसको। आप देख सकते हैं लोग कितने एक्साइटेड। खराब हो गया मेरा सुबह से चीख चीख के, 3 घंटे में चीखते ही रहा हूं सिर्फ अंदर, एक एक चीज के ऊपर, इसकी एक एक चीज पे चीखा। इस फिल्म में आपको जो जो दोबारा इस फिल्म में देखने लायक है, या एक ही बार वन टाइम वॉच? नहीं नहीं वन टाइम वॉच नहीं, दोबारा देखना पड़ेगा, और इसका भी तीसरा पार्ट भी आएगा। तीसरा पार्ट आने वाला है, तो हम उसके लिए वेट कर रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने सेकंड पार्ट देखा और थर्ड के लिए अभी से एक्साइटेड हो गए। इस फिल्म का क्रेज सर चढ़ के ऑडियंस के बोल रहा है, देखते हैं और कितने लोग आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इधर आकर इस लाइन को कवर करके दिखाएं कि लोग केजीएफ के लिए कितने एक्साइटेड हैं और कितना इस फिल्म को लेकर सीरियस हो रहे हैं कि फिल्म सेकंड पार्ट हो गया तो अब थर्ड भी देखना है जी, और इस फिल्म का एंडिंग बहुत अच्छी लगी, और जो जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उनमें इतनी एक्साइटमेंट है, जो देख के आ चुके उनमें थर्ड के लिए एक्साइटमेंट है। तो चलिए और भी जानेंगे लोगों से जो आ रहे हैं, उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, क्या उनकी सोच है, क्या इस फिल्म में देखने की उम्मीद लेकर वो थिएटर में आ रहे हैं, या उनकी जो देख चुके हैं उनकी क्या उम्मीद पूरी हो चुकी है या और पूरी होनी बाकी है, या क्या मिस हो गया इस फिल्म में, सब जानेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, किस फिल्म के लिए आए? केजीएफ 2। कितनी एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर? काफी दिन से वेट कर रहे थे, प्री और छुट्टी भी मिल गई आज, इसलिए आ गए। अगर छुट्टी नहीं मिलती तो नहीं आते? नहीं, काम जरूरी है, बाकी मूवी भी अच्छी है, बहुत दिन से सुन रहा था इसके बारे में। चैप्टर 1 देखा है आपने? जी जी देखा है, काफी एक्साइटिंग था, उसकी जो एंडिंग थी उसी ने हमें प्रेरित किया यहाँ पे आने के लिए। और केजीएफ का ट्रेलर आपने देखा? चैप्टर 2 ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा, ऐड अच्छे-अच्छे करता है, इसलिए आ गए हम लोग। अच्छा, आपने ट्रेलर में देखा है संजय दत्त भी है इस बार और जहाँ तक रवीना टंडन भी है, तो उन लोगों के लिए कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर, या यश संजय दत्त पे भारी पड़ने? ऑब्वियसली ये भारी पड़ेंगे, कि आप सब देख तो पड़ेंगे ही, हैवी होगा इसमें। कितनी एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर? बहुत ज्यादा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे भारी पड़ने वाला है? नहीं, चैप्टर 2 में संजय बाबा है। भारी नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, मतलब चैप्टर 2 बेटर होगा। चैप्टर 1 का रिकॉर्ड चैप्टर 2 तोड़ पाएगा? तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। कितनी एक्साइटमेंट है आपके? बहुत ज्यादा। बहुत एक्साइटमेंट है। कि आप सब देख सकते हो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लोगों को काफी उम्मीद है क्योंकि इस बार संजय दत्त भी फिल्म में इंक्लूड है और रवीना टंडन भी है। काफी ट्रेलर आपने देखा? नहीं जी, बिल्कुल देखा है। उसमें उनका लुक के लिए आपके क्या कहना है? लुक एकदम डैशिंग है, थोड़ा देखिए एकदम पकड़े हैं। क्या आप देख सकते हैं कि लोग फोटो कितनी क्लिक करवा रहे हैं, यश ना सही, यश का स्टैंड ही सही, मगर फोटो जरूर क्लिक करवा रहे हैं। कौन सी मूवी देखनी है? केजीएफ चैप्टर 2 देखने आए थे मैम। देख ली मूवी? देख ली मैम। कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, ब्लॉकबस्टर जाएगी पहले हफ्ते में। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही है? यस मैम, चैप्टर 1 से तो बहुत ही अच्छी, चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा एक्शन दिखाया है इसमें, बहुत ही क्लासिक मतलब क्लासिक व्यूज है, मतलब बहुत ही, इसे कहते हैं ना RRR के, उससे बढ़िया है। मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा?
मूवी का बेस्ट पार्ट है लास्ट में जब ना जो लास्ट में जब वो मरने वाला होता है जब उस पर शिप पे बैठा होता है उसमें। मेरे को तो अधीरा की एंट्री बेस्ट लगी मैम, पूरी मूवी बेस्ट लगी, क्या बताऊँ आपको। कितनी रेटिंग देंगे आप? मैं 10 out of 10 फुल मैम, फुल मैम, बहुत बढ़िया मूवी थी, पूरी पूरी मूवी मजा आ गया। पैसा वसूल मूवी है, मैं बस इतना क्या लगता है यश की एक्टिंग संजय दत्त पे भारी पड़ी है, संजय दत्त की एक्टिंग यश पे भारी पड़ी है? यश की एक्टिंग अच्छी है मैम, यश की एक्टिंग बहुत बढ़िया संजय दत्त से। मैम सबका अपना अपना रोल होता है, अगर उनको संजय को यश का रोल मिला तो संजय अच्छे लगते हैं और यश को यश का मिला तो उसको अच्छे लग रहे हैं, ये बात है। आ रही है तो यश की आ रही है या संजय दत्त की? यश की मैम, यश की, यश की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। सिगरेट जलाने का स्टाइल है ना, वो तो सपना है मेरा। कैसे कैसे आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते? वो यार वो तो गन यहाँ पे पहले, वो जय माता दी, कौन सी माता थी वो? नहीं जो बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ लानी पड़ेगी। अरे मैम एक्टिंग बात नहीं मैम, मैं फेमस हो जाऊँगा, एक्टर बन जाएगा एक्टर, वो ऐसा करते हैं मतलब। देख सकते हैं कि कैसे यश ने सिगरेट जलाया ये भी नहीं याद है, तो देखा ना आपने लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हालांकि संजय दत्त कहीं ना कहीं थोड़े फीके पड़ गए यश के आगे, और हो भी क्यों ना, यश इस बार यूथ के आइकॉन बन चुके हैं, चैप्टर वन से कहीं ज़्यादा चैप्टर टू आगे बढ़ चुका है, ये हमने दर्शकों से जान लिया। दर्शकों ने इस फिल्म को 5 में से 5, 10 में से 10 दिए, मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है, और कितने एक्साइटेड थे ये सब तो आपने देख ही लिया है। आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और आप कौन से सिनेमाघर में जाकर देखेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई फिल्म रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, धन्यवाद।